दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि FHR होता क्या है और इसका क्या मतलब होता है, ये कब से शुरू होता है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, क्या इसमें कुछ नॉर्मल रेंज जैसी कुछ चीज़ होती है या नहीं होती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट FHR का जेंडर प्रिडिक्शन से क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये FHR होता क्या है। FHR यानी फीटल हार्ट रेट। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, या यूँ कहें तो अगर आपका एग फर्टिलाइज्ड होता है स्पर्म के साथ, आपका पूरा प्रोसेस जो इम्प्लांटेशन का होता है ये 4th हफ्ते में स्टार्ट हो जाती है आपके बच्चे और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना। आपका बच्चा जैसे जैसे पनपता है, सबसे पहले उसका जो अंग बन रहा होता है वो होता है उसका दिल। और कहा जाता है कि ये दिल की धड़कन 5th वीक से जो स्टार्ट होती है ये जीवन भर चलती है। और देखिए, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उनमें ऐसे ऐसे टाइप की हलचल होती है और धीरे धीरे वो हार्ट का रूप ले लेती है। और वो कितने फ्रीक्वेंसी पे या कितने बीट्स प्रति मिनट अगर वो धड़क रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसे ही हम मेज़र करते हैं फीटल हार्ट रेट से। फिर वही जाके धीरे धीरे आपके बच्चे का हार्ट का शेप ले लेता है और वो जीवन भर उसके साथ रहता है। और यही चीज़ स्टार्ट होती है 5th हफ्ते से। तो जैसे ही आप पहली सोनोग्राफी में अगर आप जाती हैं तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है वो होता है आपका बच्चे का हार्ट बीट। आपके बच्चे की हार्ट बीट सुनना आपको बहुत ही सुखद अनुभव देता है। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं या दूसरी बार माँ बन रही हैं, ये एहसास ही बहुत अलग होता है अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनना। तो ये हार्ट बीट का जो रेंज होता है अगर देखा जाए तो 120 बीट्स प्रति मिनट से लेके 160 बीट्स प्रति मिनट तक होता है। एक ऑन एन एवरेज रेंज की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये 6th हफ्ते से लेके 10th हफ्ते, यानी कि जो 6th वीक होती है वो 10th हफ्ते तक प्रेगनेंसी में ये कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाती है, अराउंड 170 या 170 से ऊपर भी चली जाती है। लेकिन इसका क्या नॉर्मल रेंज है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए बच्चे अलग अलग होते हैं, माएँ अलग अलग होती हैं, सब लोगों की प्रेगनेंसीज अलग अलग होती हैं। तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो बच्चे की हार्ट बीट होनी चाहिए वो 120 से लेके 160 बीट्स प्रति मिनट होनी चाहिए। और अगर कभी कम ज़्यादा भी है तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डॉक्टर्स की निगरानी में आप हमेशा रहिए, अपने रिपोर्ट शो करिए, डॉक्टर्स आपको खुल के आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट हो वो ज़रूर उनके साथ शेयर करिए। और रही बात इसके जेंडर प्रिडिक्शन जैसी कुछ चीज़ के ऊपर आना कि FHR का किसी तरह का कोई रिलेशन है या नहीं है, मेल बेबी में क्या है, फीमेल बेबी में क्या है, तो एक मैं आपको बात बता दूं कि एक रिसर्च किया गया था 1000 औरतों के ऊपर जो कि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही थी, जिनका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था। वो 1000 औरतों में ये सारी चीज़ें स्टडी की गई और सिर्फ 477 महिलाओं में ये रिज़ल्ट सामने आया है, जिसमें 244 महिलाओं को लड़कियां हुई और 233 महिलाओं को लड़के हुए, यानी कि अराउंड 50-50 का रेशियो है। तो आप सोच के चलिए कि जिस तरह से भगवान भी एक या तो जेंडर में आपको लड़का होगा या लड़की होगी, 50% चांसेस बॉयज़ के हैं, 50% चांस गर्ल्स के हैं, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये स्टडी भी यही चीज़ कहती है कि आपके चांसेस बॉयज़ के भी हो सकते हैं, गर्ल्स के भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुमान होता है कि अगर 140 बीट्स प्रति मिनट से अगर ज़्यादा है हार्ट बीट, तो ऐसा माना जाता है कि ये दिल लड़कियों का ही हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है लड़कियों का दिल ज़्यादा धड़कता है, तो ऐसा मानते हैं लोग। बट इसमें कितनी सच्चाई है क्या है मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे रिसर्चेस पाए गए हैं। और जिन महिलाओं के 140 से कम आते हैं उनको बेबी बॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो FHR की जो भी क्राइटेरिया होती है वो ऑलमोस्ट आपको लास्ट मंथ में ही आपको ज़्यादा क्लियर पता चलती है, क्योंकि उस समय बच्चे की हार्ट बीट स्टैटिक हो जाती है, उसको जितना बढ़ना या फ्लक्चुएट करना होता है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपका लेबर का टाइम आता है, डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, आप टर्म में होते हैं, तो आपके बेबी का हार्ट रेट जो है वो स्टैटिक होते जाता है, उसको जो रहना है वही रहता है। तो उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़का होगा या लड़की, बाकी तो भगवान के ऊपर है, आपको जो देते हैं बहुत अच्छा करते हैं आपके लिए। तो इसलिए लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल हैं, उनका दोनों का सम्मान करें, दोनों को खूब सारा प्यार करें और अपना भी ख्याल रखें। अपनी प्रेगनेंसी में आप जितना खुश रहिएगा, स्ट्रेस फ्री रहिएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मुझे दिल से सपोर्ट करना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।